हेलो, वेलकम टू झटपट एमबीए कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं डॉक्टर ईशान आर्य और आज हम बात करेंगे उपसाला और बॉर्न ग्लोबल मॉडल्स के बारे में। ये कॉन्सेप्ट्स मैं आपको 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो समझ लेते हैं कि ये दो मॉडल्स हमें क्या बताते हैं। ये दोनों मॉडल्स, उपसाला मॉडल और बॉर्न ग्लोबल मॉडल, ये इंटरनेशनलाइजेशन के संदर्भित मॉडल्स है। मतलब जो कंपनी इंटरनेशनल होना चाहती है, अगर आप एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अपना एस्टैब्लिशमेंट करते हो और उसके बाद अपने कंपनी को एक दूसरे कंट्री के अंदर अगर लेके जाना चाहते हो, तो उसे इंटरनेशनलाइजेशन कहते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजी कहा जाता है। तो क्या होता है, जो कंपनी दूसरे कंट्री में जाती है वो कितने जल्दी जाती है या फिर कौन से कंट्री में जाती है, इसके ऊपर हमें ये चीज़ें जो होती है ये हमें उपसाला और बॉर्न ग्लोबल मॉडल से समझ में आती है। तो उपसाला मॉडल जो होता है वो कहता है कि एक कंपनी जो होती है वो पहले अपने ही कंट्री में, अपने ही देश में एक्सपैंड करती है। तो सबसे पहले वो अपने ही कंट्री में उनका मार्केट एस्टैब्लिश करती है, ग्रो करती है वो कंपनी, और देख लेती है कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसे है। फिर धीरे धीरे वो ऐसे कंट्री में एंटर करती है जो अपने कंट्री से बहुत सिमिलर है, कल्चरली सिमिलर है। उसे हम साइकिक डिस्टेंस बोलते हैं। साइकिक डिस्टेंस ज़्यादा होना मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में बहुत ही कल्चरल अंतर ज़्यादा होना, उनकी भाषा, खाना पीना बहुत अलग होता है। और साइकिक डिस्टेंस कम होना मतलब वो दो कंट्रीज़ ऐसी है जिन्होंने अपना कल्चर सिमिलर है, जो एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, सिमिलर है। तो क्या होता है, उपसाला मॉडल जो बताता है कि ऐसे कंपनीज होती है जो पहले अपने जैसे सिमिलर कंट्रीज में धीरे धीरे एक्सपैंड करती है। तो इसका अच्छा एग्जांपल है इकिया। हाँ, कोई कोई लोग उसे आइकिया बोलते हैं, लेकिन ये स्वीडिश कंपनी है और स्वीडन में उसको इकिया बोलते हैं, तो हम इसको आइकिया नहीं इकिया ही बुलाएंगे। तो इकिया ये स्वीडन में पहले एस्टैब्लिश हुई थी कंपनी, और उन्होंने बहुत साल स्वीडन में ही गुजारे, 5-6 साल स्वीडन में गुजारे। उसके बाद उन्होंने अपना पहला स्टोर खोला, वो स्टोर खोलने के बाद और उन्होंने 6 साल स्वीडन में निकाले। उसके बाद धीरे धीरे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपैंड करना शुरू किया उन्होंने, लेकिन वो यूरोपियन कंट्रीज़ भी स्वीडन के जैसे ही थी, उनका कल्चर सिमिलर था। तो उन कंट्रीज़ में जाके धीरे धीरे 30 सालों के बाद पहली बार वो जापान में ओपन हुए, और ऑलमोस्ट 62-63 ईयर्स, 60 सालों के ऊपर उन्होंने फाइनली इंडिया में एंट्री की। तो हमें ये दिखता है कि इन ये इकिया जो ब्रांड है वो उन्होंने कैसे पहले अपने ही कंट्री में एक्सपेंशन किया, सेटल हुए, और फिर साइकिक डिस्टेंस जो कम था ऐसे कंट्रीज़ में उन्होंने एंट्री की, यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ में, और फिर बहुत सालों के बाद आराम से उन्होंने साइकिक डिस्टेंस जो ज़्यादा होता है ऐसे कंट्रीज़ में एंट्री की। तो ये उपसाला मॉडल इन्होंने फॉलो किया। तो देखिए, ये मॉडल कोई जानबूझ के फॉलो नहीं करता, लेकिन ये मॉडल हमें ये तरीका समझाती है। अब ये दूसरी एग्जांपल है बॉर्न ग्लोबल मॉडल। तो बॉर्न ग्लोबल ये बताता है कि ऐसे कंपनीज होती है जो पहले से ही, शुरू से ही अपने आप को इंटरनेशनल बनाती है। वो बहुत बड़ा साइकिक डिस्टेंस जो होता है मतलब ऐसे कंट्री में एंट्री तुरंत मारती है जो कंट्री अलग हो, वो रिस्क भी काफ़ी लेते हैं। तो बॉर्न ग्लोबल जो कंपनीज होती है ये कंपनीज रुकती नहीं है कि हमें पहले हमारे ही मार्केट में, हमारे ही कंट्री में एक्सपैंड करना है, फिर धीरे धीरे जो सिमिलर कंट्री है ऐसे कंट्री में जाएंगे। नहीं, ये डायरेक्टली दूसरे दूर के कंट्री में, जो जिसका डिस्टेंस सिर्फ जियोग्राफिक डिस्टेंस नहीं, जिसका कल्चरल डिस्टेंस भी अलग है, यू नो कल्चर अलग है, ऐसे कंट्री में एंट्री मार लेती है। तो इसका अच्छा एग्जांपल है अपना लॉजिटेक, जो हम माउस और कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये स्विस कंपनी है। और जैसे ही ये कंपनी बनी ना, इन्होंने सीधा US में एंट्री मार ली। अभी स्विट्जरलैंड और USA का कल्चर अलग है, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे यूरोपियन मार्केट में एक्सपैंड करने के बदले डायरेक्टली अमेरिकन मार्केट में एंट्री मार ली और ग्लोबल काफ़ी कंट्रीज में एंट्री की। तो लॉजिटेक ये अच्छा एग्जांपल है एक बॉर्न ग्लोबल का। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।